Now let's see what is view equivalent schedule. So two schedules S1 and S2 are said to be view equivalent if it satisfies the following three conditions for each data item. ठीक है, हमारे पास ये तीन conditions हैं. अगर ये तीनों conditions satisfy होंगी तो वो schedule क्या होगा, view equivalent. ठीक है, तीनों कंडीशन बहुत आसान है. यहाँ पे पढ़ के अच्छे से समझ में शायद नहीं आएगा, बट एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. बट एक बार पढ़ लेते हैं इसको. फॉर ईच डेटा आइटम ए बी सी, ठीक है, इफ ट्रांजेक्शन टी आई रीड्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इन शेड्यूल वन. ठीक है, लेट से शेड्यूल वन है और शेड्यूल टू है. ठीक है, और यहाँ पे टी वन टी टू है, और ऐसे यहाँ पे भी टी वन T2 है. हमारे पास दो ट्रांजेक्शन शेड्यूल वन में और दो टू में. ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि रीड ए हो रहा है T1 में पहले, तो S1 के अंदर रीड ए किस में हो रहा है, T1 में सबसे पहले इनिशियली. तो ऐसे ही S2 में भी रीड ए पहले होना चाहिए. पहली कंडीशन ये है कि इफ ट्रांजेक्शन टी आई, मतलब लेट से T1 या T2 कोई भी, अगर पहले इनिशियल वैल्यू ऑफ ए रीड कर रहा है शेड्यूल वन में, देन ट्रांजेक्शन टी आई, सेम ट्रांजेक्शन टी आई और टी आई मस्ट ऑल्सो रीड द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इन अदर ट्रांजेक्शन T2. इन अनदर शेड्यूल, ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा, इन अनदर शेड्यूल S2. ठीक है, देखो, रीड द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इन शेड्यूल S1, देन ट्रांजेक्शन टी आई मस्ट ऑल्सो रीड द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इन अनदर शेड्यूल S2. ठीक है, अगर लेट से यहां पे रीड बी होता है इनिशियली सबसे पहले, तो यहां पे भी रीड बी T2 में ही होना चाहिए. दोनों ट्रांजेक्शन T1, T2, T2 और ऐसे ही दोनों शेड्यूल S1 और S2. ओके, अभी एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा. ऐसे ही दूसरी वाली क्या कह रहा है, ये तो पहले वाला था रीड ऑपरेशन के ऊपर. ठीक है, रीड ऑपरेशन के ऊपर, ये दूसरा है राइट के ऊपर. फॉर ईच डेटा आइटम ए इफ ट्रांजेक्शन टी आई दैट परफॉर्म द फाइनल राइट, यानी कि लेट से राइट ए और इसके बाद कहीं भी राइट नहीं हो रहा, तो ये फाइनल राइट हो गया. अगर ये फाइनल राइट T1 में हो रहा है S1 के अंदर, तो फाइनल राइट ऑफ ए मस्ट बी इन T1 ऑफ S2. ऐसे नहीं कि यहां पे T1 में हो रहा है और यहां पे T2 में हो जाए. ओके, सो फाइनल राइट ऑन ए इन शेड्यूल वन, देन ट्रांजेक्शन टी आई मस्ट ऑल्सो परफॉर्म द फाइनल राइट ऑन ए इन अनदर शेड्यूल S2. ठीक है, दोनों के अंदर टी आई और टी आई फाइनल राइट ऑन ए, मतलब दोनों क्या है, ये भी ए पे है, ये भी ए पे है, तो इसमें अगर T1 में हो रहा है तो इसमें भी T1 में होना चाहिए, T2 में नहीं हो सकता. दो कंडीशन. और थर्ड कंडीशन ये कहती है, इफ ट्रांजेक्शन TI एग्जीक्यूट्स रीड ए इन शेड्यूल S1. ठीक है, लेट से ये हमारा शेड्यूल है, यहां पे T1 और ये T2 है, और लेट से T2 ने रीड किया ए, ये TI कौन सा है, T2 लेट से. ठीक है, इन शेड्यूल S1 That was produced by transaction TJ. Let's say ये है TJ. इसको मैंने बोल दिया TJ और इसको बोल दिया TI. TI ने read किया वो value which was produced by transaction TJ. तो यानी कि यहाँ पे write हुआ होगा. तो इसने जो value produce करी वो इसने read करी. Then transaction TI must in schedule S2 also read value of A that was produced by TJ. यानी कि S2 के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए कि T1, T2 ये अगर रीड कर रहा है कोई वैल्यू, तो इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय T1. ओके, देन ओनली, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, देन ओनली S1 एंड S2 आर व्यू सीरियलाइजेबल और व्यू इक्विवेलेंट. व्यू सीरियलाइजेबल तब होगा कि वन ऑफ दीज S1 और S2 सीरियल शेड्यूल है, अदरवाइज दे विल ओनली बी व्यू इक्विवेलेंट. All read-write sequence to be maintained in the same order in both S1 and S2. इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे read A किया है और उसके बाद write A किया है, फिर आपने read B किया है, फिर write B किया है, तो S2 के अंदर T1 में भी यही order होना चाहिए. अगर आपने let's say order कर दिया
राइट ए और रीड ए, तो ये ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ पे ये वन है, यहाँ पे ये टू है, और यहाँ पे ये वन हो गया, ये टू हो गया, तो ये टू और वन ऑर्डर चेंज हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन नहीं है एक्चुअली, ये एक नोट इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, बाकी तीन कंडीशंस ये है हमारे पास। ओके, सो लेट्स डू अ क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट। सो लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल, एग्जांपल इज आई एम राइटिंग हियर टू शेड्यूल्स, लेट्स से वी हैव दीज टू शेड्यूल्स। नाउ फर्स्ट कंडीशन सेज दैट अगर रीड पी टी वन में हो रहा है तो रीड पी टी वन में ही होना चाहिए। तो देखो पहले रीड की बात करते हैं, हमारे पास कितने डेटा आइटम्स हैं, पी और क्यू, देखो यहाँ पे पी और क्यू, यहाँ पे भी पी और क्यू, दो डेटा आइटम्स हैं, तो पी का रीड, ठीक है, ये रीड ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिर राइट ऑपरेशन की। तो पी का रीड एस वन के अंदर टी वन में होता है इनिशियल, सबसे पहले पी वन, देखो ये भी रीड है बट ये इनिशियल नहीं है, इनिशियल कौन सा होगा जो सबसे पहले हो रहा है, तो ये टी वन में है और यहाँ पे भी टी वन में है, सो टी वन कॉमा टी वन, और क्यू का इनिशियल रीड कहाँ हो रहा है, ये भी टी वन में हो रहा है और यहाँ पे भी इनिशियल रीड टी वन में हो रहा है, ऑल दो यहाँ पे भी रीड हो रहा है बट इनिशियल जो पहले हो रहा है, ठीक है, तो ये भी टी वन कॉमा टी वन, तो दोनों सही है, ये एस वन का है, ये एस टू का है, ये एस वन का है और ये एस टू का है। ओके, ऐसे ही राइट का देखो, अब फाइनल राइट जो कंडीशन टू है, कंडीशन टू सेज दैट कि देखो राइट पी आखिरी बार यहां हो रहा है, इसके बाद राइट पी नहीं हो रहा, ये भी राइट पी है बट ये इनिशियल राइट पी है, ये है फाइनल राइट पी, हमने फाइनल राइट के बारे में बात करी है, तो ये फाइनल राइट हो रहा है किसमें, टी टू में, और यहां पे फाइनल राइट हो रहा है देखो टी टू में, तो टी टू, ऐसे ही क्यू के ऊपर फाइनल राइट हो रहा है टी टू में, और यहाँ पे भी फाइनल राइट हो रहा है टी टू में, सो टी टू कॉमा टी टू, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई, थर्ड कंडीशन सेज दैट देखो यहाँ पे ये पी वो वैल्यू रीड कर रहा है जो ये जनरेट कर रहा है, सो दिस पी इज रीड बाय दिस, ओके, प्रोड्यूस बाय टी वन, सो इस केस में ये क्या है, ये है टी J और ये है लेट से टी आई, सो टी आई इज रीडिंग अ वैल्यू विच इज जनरेटेड बाय और प्रोड्यूस बाय टी जे, ऐसे ही यहाँ पे ये वैल्यू कौन रीड कर रहा है, जो ये जनरेट कर रहा है, तो देखो ये ऑर्डर मेंटेन है। ओके, ऐसे ही ये वाली रीड इसके बाद हो रही है, यहाँ पे ये ऐसे मेंटेन्ड है, तो देखो क्यू यहाँ जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ रीड हो रहा है, तो ऐसे ये भी मेंटेन्ड होना चाहिए, देखो ये मेंटेन्ड है। ओके, सो दिस इज रीडिंग वैल्यू जनरेटेड बाय टी वन, दिस इज ऑल्सो रीडिंग द वैल्यू जनरेटेड बाय टी वन, सिमिलरली दिस इज रीडिंग अ वैल्यू ऑफ पी जनरेटेड बाय टी वन, दिस इज ऑल्सो रीडिंग अ वैल्यू ऑफ पी जनरेटेड बाय टी वन। ओके, सो कंडीशन थ्री इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, सो कैन वी से दैट सिंस ऑल थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड, सो कैन वी से दैट एस वन इज व्यू सीरियलाइजेबल, view equivalent to S2, yes this is view equivalent, and since you can see that this is T1 and this is T2, to pehle T1 pura aur phir T2 pura, so we can also say that S1 and S2 are view serializable, kyunki S2 is serial schedule, so view serializable bhi ye hai. Okay, let's see one more example. Now let's say this is the question, S1, S2, S3 are three schedules, we have to find whether they are view equivalent or not. देखो यहाँ पे ये T1 और फिर T2, ये T, यहाँ पे T2 और फिर T1, तो ये S2 क्या है, serial schedule, S3 क्या है, serial schedule, ये serial schedule नहीं है S1, क्यों, क्योंकि देखो पहले T1 हुआ, फिर T2 हुआ और फिर T1 हुआ, तो यहाँ पे हो रहा है T1, T2, T1, ये सीरियल शेड्यूल नहीं है, वेयर एज इसमें T1 फॉलोड बाय T2, यहाँ पे T2 फॉलोड बाय T1, पहले एक ट्रांजैक्शन पूरी खत्म फिर दूसरी ट्रांजैक्शन पूरी खत्म, वो सीरियल शेड्यूल है। ओके, नाउ सी अगर S1 और S2 में चेक करें तो हमारे पास डेटा आइटम तो एक ही है P, तो रीड के लिए देखते हैं, यहाँ पे इनिशियल रीड T1 में होता है
और यहां पे इनिशियल रीड टी वन में होता है, तो ये तो सही है। राइट की बात करो तो फाइनल राइट यहां पे किसमें हो रहा है, टी वन में, और यहां पे फाइनल राइट हो रहा है टी टू में, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट। सो बिकॉज ऑफ दिस कैन आई से एस वन इज नॉट व्यू इक्विवेलेंट टू एस टू, यस, क्योंकि ये डिफरेंट हो गया तो ये व्यू इक्विवेलेंट नहीं है। ऐसे ही अगर एस वन और एस थ्री का देखें तो एस वन एस थ्री के लिए यहां पे पी और रीड और राइट, देखो रीड के लिए ये यहां पे क्या है टी वन, और ये यहां पे इनिशियल रीड, ये तो राइट है सॉरी, ये इनिशियल रीड क्या है टी वन, तो ये तो ठीक है। बट राइट के लिए ये क्या है टी वन, और यहां पे क्या है टी वन, तो ये तो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई, वन वाली भी और टू वाली भी कंडीशन सेटिस्फाइड। लेकिन कंडीशन थ्री क्या कहती है, देखो यहां पे दिस पर्टिकुलर थिंग इज रीडिंग अ वैल्यू एंड दिस इज राइटिंग, तो ये कोई कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज नॉट प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम मतलब दिस इज नॉट कंज्यूमिंग अ वैल्यू प्रोड्यूस बाय दिस थिंग, ओके, दिस इज नॉट कंज्यूमिंग अ वैल्यू प्रोड्यूस बाय दिस थिंग, तो यहां पे तो कोई प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है ही नहीं, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कंडीशन थ्री। What should happen? अगर T2 कुछ कंज्यूम कर रहा है, कुछ रीड कर रहा है, तो इट शुड बी प्रोड्यूस बाय समथिंग, वो यहां पे है ही नहीं, तो नो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, तो यहां पे कंडीशन थ्री है ही नहीं, सेटिस्फाई तो बाद में होगी जब है ही नहीं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, दिस वैल्यू इज रिटन बाय T2 एंड इट इज कंज्यूम बाय T1, देखो ये रीड कर रहा है वो वैल्यू जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो T2 is producing a value which is consumed by T1, read by T1, तो यहां पे तो consumer producer problem है, okay, so इसको हम क्या बोलेंगे, because this problem is available here but not available here, अगर इधर भी नहीं होती और इधर भी नहीं होती तो condition 3 satisfied थी, but इधर नहीं है वो condition और इधर वो condition है, तो because of 3 this is not satisfied, so we can say that S1 is not viewed equivalent to S3, S2 और S3 का भी देखो, अब देखो P हमारे पास एक डेटा वेरिएबल है, यहां पे रीड हो रहा है T1 में और यहां पे भी रीड हो रहा है T1 में, इनिशियल रीड, तो रीड के लिए T1, T1, फाइनल राइट के लिए, फाइनल राइट इसमें T2 में होता है और इसमें T1 में हो रहा है, तो देखो T2, T1, तो ये तो डिफरेंट हो गया, तो बिकॉज ऑफ दिस ये तो हमारा फेलियर ऑफ रूल नंबर 2 है, ये फेल हो गया, तो S2 इज नॉट व्यू इक्विवेलेंट टू S3, ओके, सो ये आपस में कहीं भी व्यू इक्विवेलेंट नहीं है, अगर किसी एक के साथ हो जाता तो हम उसको व्यू सीरियलाइजेबल भी बोल सकते थे, बिकॉज S2 एंड S3 आर सीरियल शेड्यूल्स, ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।